हेलो एवरीवन, अभी हम आ गए हैं 75 पल्ली। पल्ली की इस खास मतलब कौन से क्लब की है, क्या है, और इस दुर्गा पूजा में खास बात यह है कि इन्होंने ड्राई फ्रूट्स के छिलके यानी बादाम अखरोट से अपने पूरे के पूरे पंडाल को सजाया है। तो हमारे साथ है अवधेश सिंह जी। अवधेश जी, ये बताइए कि क्या थीम है और किस लिए ये थीम बनाई गई है? ये 59 साल है हम लोगों का, नेक्स्ट ईयर हम लोग का 60 साल है, तो उस टाइम हम लोग का थीम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो पूजा जब किए थे तो थीम उस टाइम ही था समीकरण से, इसीलिए हम लोग इस बार समीकरण पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम अग्रवाल शास्त्री। हम आ पहुंचे हैं भवानीपुर पूजा पंडाल में, 75 पल्ली पूजा पंडाल। यहां पे हम देख रहे हैं माँ दुर्गा सजी हुई हैं। इस दुर्गा पूजा में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दुर्गा पूजा में आपको एक खास मैं टिप्स बताने जा रही हूँ, ये करने से आपको घर में समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है। हम जानते हैं कि दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को अखंड ज्योत की दीपक जलाई जाती है, लेकिन यह अखंड ज्योत क्यों जलाया जाता है ये भी बहुत जरूरी है। अखंड ज्योत से हमें मिलती है फायर एनर्जी, जिससे हमारे घर में सुख संपदा आती है और हमारे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो आप अवश्य ही अखंड ज्योत जलाए अपने घर में भी, और आपकी दुर्गा पूजा बहुत शुभ हो। धन्यवाद। अभी हम आ गए हैं भवानीपुर स्वाधीन संघ में। इस क्लब की खास बात यह है कि इन्होंने छोटी सी जगह में बहुत ही सुंदर रेल का कॉन्सेप्ट रखा है, और रेल के कॉन्सेप्ट में अंदर जब आप जाएंगे देखेंगे यात्री लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आइए हम खुद देखते हैं। ये भवानीपुर जगू बाजार के पास है और यहाँ आने के लिए आपको सारी सुविधा मिलेगी। जस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द कॉन्सेप्ट। ये देखिए रेल का बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट बनाया गया है, टीले का स्ट्रक्चर है, इधर देख सकती हैं दो तरफ है, यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। आप घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में नवरात्रों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा का भरमार होता है। धन्यवाद। अभी हम आ गए हैं भवानीपुर के 68 पल्ली में, और यहाँ पे खास बात यह है कि बहुत ही सीधी सादगी ढंग से इस दुर्गा जी को सजाया गया है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल को, और बहुत ही अच्छे से बंगाली थीम में इसे सजाया गया है और इसका रूप रखा गया है। अबासर की पूजा में, इस अबासर की पूजा की खास बात यह है इनकी थीम है सुनो तोहबो सुनो नॉय, यानी वो चीज जो हमारे पास से मेमोरी छोड़ गई है। ऐसी बहुत सारी चीज है जिसके कारण हम अपग्रेड कर गए हैं, और अब ना पुराना टेलीफोन यूज करते हैं, ना तो पुरानी टैक्सी,
ना पुराना टेम्पो, लेकिन उस सब चीज को मेमोरी में रख के इन्होंने ये थीम बनाई है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है। तो अभी हम आ गए हैं, इसके पास में है गोपी मार्ग और इस तरफ भी भवानीपुर है, तो भवानीपुर की इस पूजा को देखना मत भूलिएगा। अबासर की पूजा है ये। नमस्कार दोस्तों, आस्था देवी अष्टमी का नवरात्रि टिप्स है। नवरात्रि के पूजे में कासा, पीतल, तांबा और सिल्वर यानी कि चांदी के बर्तन ही यूज में लाने चाहिए। उसमें लोहे के बर्तन या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन हमें पूजन में यूज नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। धन्यवाद। पहुंचे हैं भवानीपुर गोलमाट पूजा पंडाल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ की मूर्ति बहुत ही भव्य है और यहाँ पे डेकोर किया गया है गमछे से, लाल कलर का गमछे से यहाँ पे डेकोर किया गया है। भवानीपुर आए तो चलते चलते बकुल बगान की पूजा में आना मत भूलिएगा। यह खास बात यह है कि पंडाल के अंदर घंटी लगाई गई है, सब जगह आप देख रहे हैं कि घंटी लगी हुई है, और बाहर ये बात है कि पुराने कलकत्ते की पुरानी तस्वीर यानी पुरानी बिल्डिंग की तस्वीर दिखाई गई है। साड़ी झूल रही है जिस तरीके से घरों के नीचे झूलती थी, और बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर के साथ ये बनाया गया है। भवानीपुर थाने के पास में ये लोकेटेड है, तो यहाँ आना मत भूलिएगा। आ गए हैं भवानीपुर मुक्ति दल, और मुक्ति दल की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको आसपास जो नजर आ रहा है ये पुराने टाइम की जात्रा और जो नित्यांगना थी, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक कारीगर है, एक आर्टिस्ट है जो कि भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें लेके यहाँ पे रंग महल की छवि है, यहाँ लिखा है पुरातन सोना लुको, और बहुत छोटी छोटी चीजें को लेके और बहुत ही प्यारा सा एक पूजा पंडाल बनाया गया है। यहाँ आना मत भूलिएगा, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का रूप जो है काली का दिया गया है, और ये रूप देख के रियल में इट्स समथिंग डिफरेंट। अभी हम है कालीघाट फॉरवर्ड क्लब में, और यहाँ की पूजा है जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी बनाई गई है। आप देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को लेके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया गया है, तो आइए देखते हैं इस पूजा को। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि कमल का फूल है, और कमल के फूल में हर एक पत्तियों में
भगवान की एक तस्वीर दिखाई गई है और भगवान की तस्वीर में के बीच में माँ बैठी हुई है। तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट में चल रहा है कि पूरी पृथ्वी पूरे भगवान को लेके भगवान ने अपने सर का नक्शा कर दी है। कालीघाट के इस पंडाल के पास ही हमें मिला जुबा मैत्री का पंडाल। इस पंडाल में खास बात यह है कि इसमें रिक्शा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, या आपको जितने भी रिक्शा है उससे पंडाल बनाया गया है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और यहाँ आना आपको नहीं भूलना है।